समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बहन जी के निर्देशानुसार एक बहुजन समाज पार्टी के सिपाही के नाते बहन जी ने जिम्मेदारी दिया इस मंडल जून के कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर। आज वाशिष्ठ समाज में बहुत हर्ष उत्साह के साथ लोगों में जबरदस्त खुशी के लहर है। आज बहुजन समाज पार्टी में पूरी आस्था रखने वाले जो पुराने नए साथी हैं, आज वाशिष्ठ समाज जो है बहुत गदगद है और बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जो लोग गलत करते थे, बहन जी को धोखा देने वाले थे, वो पार्टी के बाहर है, उनके साथ कोई नहीं है। जब बहन जी ने हमें 10 तारीख को मिल करके अपार खुशी हुई, बहन जी ने मेरी बातों को सुना। मैं एक बूथ का कार्यकर्ता था, आज भी हूँ और बहुजन समाज पार्टी के एक वफादार सिपाही हूँ। इस विश्वास आस्था के साथ बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया। आज मंडल कार्यालय पर हमारे जो है वाशिष्ठ समाज के तमाम प्रधान, तमाम सम्मानित पूर्व प्रधान व वर्तमान साथियों ने, युवाओं ने, सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। और आज उपस्थित हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई देवचंद गौतम जी, भाई राजेश पासी जी कोऑर्डिनेटर, भाई जिले के जिला अध्यक्ष, भाई हमारे साथी अभिषेक गौतम जी, तमाम ऐसे साथी हैं जो आज उपस्थित है मंडल कार्यालय में। और लोगों में खुशी है और बहुत जोश के साथ लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था विश्वास रखने वाले बहन जी मानवर कांशीराम के कारवा में आज भरोसे के साथ वो खड़े हैं और बहन जी के साथ हरदम खड़े हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में वाशिष्ठ समाज मानवर कांशीराम साहब के साथ से लेके आज तक भी बहन जी के साथ वाशिष्ठ समाज कभी नहीं गया। अगर जो भी किसी के नाराजगी में जो कार्यकर्ताओं को समाज को सम्मान नहीं दिया, कभी पहचाना नहीं, आज इन जिस सरोज पार्टी से बाहर है, आज उनके साथ लखनऊ में एक भी पासी नहीं है। लखनऊ के 2-3 ऐसे गुर्गे हैं, मुर्गे हैं जो ठेकेदारी या चमचाई करते थे और उसके बाद कोई उनके साथ नहीं। आप देख लीजिएगा, हीरा मणि पटेल 3 बार बसपा से निखारे गए, उनके पटेल समाज ही नहीं मानता। और मनोज पांडे बहुत बड़ा माफिया है जो कि नवाबगंज में बहन जी ने बसपा से टिकट लेकर उसको लड़ाया, वो किसी काबिल नहीं, जो कि आज ब्राह्मण समाज हमारे साथ।